तो हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बीटेक करना चाहिए तो किस स्टूडेंट को बीटेक करना चाहिए, और जो करना चाहते हैं उनको सेमेस्टर के किस पीरियड में स्टार्ट कर देना चाहिए इसकी प्रिपरेशन। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और प्रेस कीजिएगा तो जब जब मैं वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। तो ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग से क्षमा मांगूंगा अगर आप लोग को बैकग्राउंड नॉइज अगर एक्स्ट्रा आपको सुनने को मिल रहा होगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं दिन में शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे गाड़ी आते जाते रहती है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में हो या तो पॉलिटेक्निक के कोई भी सेमेस्टर में हो, तो अगर आप करना चाहते हो बीटेक, तो अब क्या करोगे ये कि आप 5 से 6 सेमेस्टर के बीच में आप स्टार्ट कर दीजिए। जब आप 5 से 6 सेमेस्टर में स्टार्ट कीजिएगा तो आपको अच्छे से पकड़ में आएगा और आपसे इंट्रेंस एग्ज़ाम लीट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। लीट यानी कि लेटरल एंट्री इंट्रेंस टेस्ट आप कंप्लीट कर लोगे और 3 साल में बीटेक कर लोगे। ठीक है, अब बात रही कि बीटेक किसको करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो बीटेक सभी को करना चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो फाइनेंशियली अस्टेबल नहीं होते हैं, यानी कि उन सक्षम नहीं होते हैं 3 साल और एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट को बीटेक की तैयारी ना करके जॉब की तैयारी कर देना चाहिए और जितना जल्दी हो सके जॉब ले लेना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके जज्बे स्ट्रांग हो, अब पैसा ना है फिर भी कोई बात नहीं, आप करना चाहते हो तो आप किसी तरीके से कर सकते हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी, परेशानियां आएगी, लेकिन सॉल्व करना आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि कहा भी जाता है विदाउट अ स्ट्रगल डोंट स्टेबल। तो आप तैयारी कर दीजिए, लेकिन जो बच्चे फाइनेंशियली ठीक ठाक हैं वो तो तैयारी करना ही चाहिए, उनको तो बीटेक करना ही चाहिए, क्योंकि बीटेक करने के बाद आपके करियर का उड़ान जो होता है बहुत ऊंचा तक जाता है। जैसे कि आप बीटेक करने के बाद गेट की भी तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, और बड़े बड़े पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप तैयारी कर दीजिए, यानी कि सभी को कर देना चाहिए तैयारी और सभी को बीटेक करना चाहिए, लेकिन जो बच्चे सक्षम नहीं हैं वो तैयारी ना करके जॉब की तैयारी करना बेहतर होगा उनके लिए। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि किन लोगों को करना चाहिए जॉब की तैयारी और किन लोगों को करना चाहिए बीटेक। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।